हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीआर स्टडी पॉइंट। चैलेंजिंग सीरीज के डे 131 में स्वागत है। आज का सवाल हम लोग का पार्टनरशिप पे बेस्ड है। चलते हैं, बहुत ही बेहतरीन पार्टनरशिप के सवाल को सॉल्व करते हैं आसानी से, ठीक है। तो जो लोग मेरे बारे में या डीआर स्टडी पॉइंट के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो देखो, हम लोग का सवाल क्या है पहला आज, ठीक है। पहला क्या, आज एक ही सवाल है हम लोग का, क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज है, ठीक है। देखो क्या है, अमित एंड अर्णव इन्वेस्ट रुपीज 30,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। अमित और अर्णव जो है क्या करता है, 30,000 और 20,000 से एक बिजनेस को शुरू करता है, ठीक है, एट द स्टार्ट ऑफ अ ईयर, एक साल के स्टार्ट में। इन ईच ऑफ द नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट सिक्स मंथ, प्रत्येक अगले छः महीनों में, आफ्टर द फर्स्ट मंथ, पहले मंथ के बाद, अमित कीप्स ऑन एडिंग रुपीज 1,000। हर एक छः महीने में वो क्या कर, मतलब हर एक महीने में वो क्या करता है, छः महीने तक वो 1,000 रुपये ऐड करता है। कब ऐड करता है, पहले महीने के बाद से, ठीक है, पहले महीने के बाद से छः महीने तक, यानी कि टोटल 7 महीने का कार्यक्रम खत्म हो गया। वाइल अर्णव कीप्स ऑन रिमूविंग 1,000, अर्णव जो है 1,000 रुपये क्या करता है, निकालते चला जाता है, ठीक है। ध्यान से समझना, एक सिक्वेंस है, अमित डाल रहा है, अर्णव निकाल रहा है, ठीक है। इन रिमेनिंग मंथ, अब रिमेनिंग मंथ कितना बचा, देखो एक महीना यहाँ हो गया, 6 महीने तक वो 1,000 रुपये अमित डाल रहा है, अर्णव 1,000 रुपये निकाल रहा है, तो यानी 6 7 हो गया, तो बचे कितने, 5 महीने। अमित कीप ऑन रिमूविंग 1,000, अमित अब क्या करता है कि 1,000 रुपये निकालना शुरू कर देता है। वाइल अर्णव कीप्स ऑन एडिंग 1,000 एवरी मंथ, लेकिन अर्णव क्या करता है, 1,000 रुपये डालते चला जाता है, ठीक है। अखिल ज्वाइंड देम विथ रुपीज 55,000, अखिल जो है 55,000 के साथ ज्वाइन करता है। 3 मंथ्स आफ्टर द स्टार्ट, 3 महीने स्टार्ट होने के बाद, एंड कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि ये 55,000 रुपया 9 महीने तक रहा उसका, 3 महीने तक वो नहीं था। व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द शेयर ऑफ अखिल एंड अमित, अखिल और अमित के शेयर में डिफरेंस क्या है, ये तुम्हें बताना है आफ्टर अ ईयर, 1 साल के बाद। इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज कितना, 219,000, टोटल प्रॉफिट जो है वो कितना है, 219,000 है, ठीक है। अब देखो इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, इस सवाल को करने से पहले ना मैं तुम्हें थोड़ा सा एक छोटा सा चीज बता रहा हूँ। मान लो कि कोई एक आदमी 3,000 रुपए के साथ बिजनेस इन्वेस्ट करता है, ठीक है, और 5 महीने के बाद वो क्या करता है, 2,000 रुपए डाल देता है, तो उसका इक्वेशन कैसे लिखोगे तुम, 3,000 था, 2,000 तुमने ऐड कर दिया, तो मैं थोड़ा ना ब्रेक करके लिखता हूँ, ठीक है, 2,000 ऐड कर दिया और बाकी 1 साल तक का कार्यक्रम था, तो यानी कि 7 लिख दिया। इसी को थोड़ा सा तुम सॉल्व करो, तो 3,000 गुने में 7 प्लस में 2,000 गुने में 7, ठीक है, 3,000 गुने में 7, 3,000 गुने में 5, हम लोग लिख सकते हैं 3,000 गुने में 12 प्लस में 2,000 गुने में 7। देखो हम लोगों ने क्या बोला था, यहाँ पे एक आदमी बिजनेस शुरू किया 3,000 रुपये के साथ, 5 महीने के बाद उसने 2,000 इन्वेस्ट कर दिया, 7 महीने तक उसने टोटल चलाया। इसी को हम लोग दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं कि 3,000 रुपये जो वो इन्वेस्ट किया था वो शुरू से लेकर अंत तक था, यानी कि वो पैसा जो बना के देगा वो कितने महीने तक बना के देगा, 12 महीने तक। तुमने जो 2,000 रुपये इन्वेस्ट किया था वो 2,000 रुपये 7 महीने तक ही था, क्योंकि 5 महीने के बाद तुमने इन्वेस्ट किया, तो वो पैसा जो बना के देगा वो कितने महीने तक बना के देगा, 7 महीने तक बना के देगा। यानी कि या तो तुम ये इक्वेशन लिखो या तो तुम ये इक्वेशन लिखो, दोनों क्या है, बात बराबर है। तो उसी तरीके से अगर हम लोग माइनस का टर्म रहे तो माइनस में भी क्या बोलते हैं, जैसे अगर मान लो कि कोई एक आदमी 3,000 से बिजनेस शुरू किया और वही 4 महीने के बाद, ठीक है, 4 महीने के बाद वो क्या करता है, 1,000 रुपये निकाल लेता है, तो 1,000 रुपये निकालने का मतलब क्या है, 3,000 में तुम 1,000 घटा दो, ठीक है, और ये कितने महीने तक रहेगा, 8 महीने तक। इसी को तुम दूसरी भाषा में अगर तुम थोड़ा सा तोड़ के लिखो तो 3,000 गुने में 8 माइनस में क्या हो जाएगा, 1,000 गुने में 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 3,004 है, 3,000 गुने 8 है, इसको तुम लिख सकते हो 3,000 गुने 12 माइनस में 1,000 गुने में 8। अब देखो इसको दूसरी भाषा में क्या, सवाल क्या था हम लोग का कि एक आदमी 3,000 रुपये के साथ 4 महीने तक रहा, 4 महीने के बाद वो क्या करता है, 1,000 रुपये निकाल लेता है, 1,000 रुपये जब निकाल लिया यानी कितना रुपया बचा, 2,000 रुपये बचा 8 महीने तक, ये इक्वेशन एक है। या फिर तुम इसी चीज़ को दूसरा भी लिख सकते हो कि 3,000 रुपये जो था वो पूरे 12 महीने तक पैसे बना के देता, लेकिन 1,000 रुपये तुमने 4 महीने के बाद निकाल लिया, तो इस 1,000 पे तुम्हारा 8 महीने में जो पैसा बनता वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा तुम्हारा, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। तो ये कंसेप्ट से अगर तुम बनाओगे ना तो ये सब सवाल ना बड़ा ही आसानी से बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो इस सवाल को भी देखो हम लोग इसी कंसेप्ट से बनाएंगे, अगर रैदर देन अगर तुम इस कंसेप्ट से नहीं बनाओगे तो इतना लंबा इक्वेशन जाने वाला है ना जिसका कोई जवाब नहीं। देखो मैं हिंट कर दे रहा हूँ, मान लो तुम्हारा 30,000 है, ठीक है, तो 30,000 को तुम क्या करोगे, सबसे पहले 1 महीने के लिए इन्वेस्ट किए, फिर 1 महीने के बाद क्या करो, अगले 6 महीने तक मतलब 7वें महीने तक तुम 1,000 रुपये बढ़ाते जा रहे हो, यानी क्या करोगे, 31,000 गुने में फिर 1, फिर 32,000 गुने में फिर 1, फिर 33,000 गुने में फिर 1, बाप रे बाप इतना सारा करेंगे,
ठीक है, अगर इस तरीके से हम लोग करेंगे तो नो डाउट पेज तो सबसे पहले भरेगा, सो भरेगा ही हम लोगों का। दूसरा चीज़ क्या होगा कि कैलकुलेशन करने में भी हम लोग को काफ़ी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो कि हम लोग ज़्यादा इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 000 000 को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से बनाना ये सवाल का बहुत ही गलत तरीका है, ठीक है। तो इस सवाल को बनाएंगे कैसे, सबसे पहले अब ये समझना है हम लोग को। देखो सवाल को बनाना कैसे, सबसे पहला चीज जो होता है हम लोग को ये देखना है कि सब में कॉमन कौन सा नंबर आ रहा है। सब में देखो हजार हजार कॉमन आ रहा है, 30,000 20,000 1,000 55,000 सारा कॉमन आ रहा है। तो तुम क्या करो, स्टार्टिंग में ही सबका हटा दो, 30 30 30 यहीं पे क्वेश्चन में ही हटा दो, ठीक है। तुम क्या बोलो यहाँ पे कि दूसरी भाषा में अमित 30 रुपये के साथ शुरू किया, अर्णब 20 रुपये के साथ शुरू किया और हर 6 महीने तक उस एक रुपये डालते गया, एक रुपये क्या किया निकालते चला गया, ठीक है। तो हम लोग जो टेक्निक हम लोग अभी समझे थे उस टेक्निक को समझते हैं कि अमित का हम लोग पहले लिख रहे हैं, ठीक है। ये अमित का पोर्शन है, यहाँ पे जो भी कार्यक्रम हम लोग अमित का लिखेंगे वो यहीं पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं मार्जिन दे देता हूँ, ये अमित का पार्ट है। फिर क्या है हम लोग का, अर्णव का, जो कि बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, हम लोग सिर्फ एक जगह मेहनत करेंगे बाकी तो अपने आप निकल जाने वाला है, ठीक है। फिर अर्णव जब हो गया तो अर्णव के बाद कौन आएगा हमारा, अर्णव के बाद है हमारा अखिल, ठीक है। अखिल का तो हम लोग को क्लियर है कि वो 55 रुपये निवेश किया, कितने दिनों तक निवेश किया, 3 महीने के बाद यानी 9 महीने तक, ठीक है। अब देखो अमित का क्या है, अमित 30 रुपये निवेश करता है, ठीक है। 30 रुपये निवेश करने के बाद उसने क्या किया हमारा कि वो 1-1 रुपया करके वो बढ़ाते चला जा रहा है। तो ये 30 रुपया जो है स्टार्टिंग से लेके एंड तक था, यानी कि 12 महीने तक। फिर वो 1 रुपया जो इन्वेस्ट किया वो कितने दिनों तक इन्वेस्ट रहेगा, 1 महीने के बाद उसने इन्वेस्ट किया, यानी वो 1 रुपया अगले 11 महीने तक पैसा बना के देगा, यानी 1 रुपया हम लोग लिख दिए यहाँ पे 11 महीने तक, ठीक है। इसको थोड़ा ब्रैकेट में कर देते हैं। फिर अगला 1 रुपया जो रहेगा वो कितने महीने तक बना के देगा, 2 महीने यहाँ पे बीत चुके हमारा, यानी कि 10 महीने तक। फिर अगला 1 रुपया जो है वो कितने महीने तक देगा हम लोग को, वो देगा 9 महीने तक। फिर आगे देखो 1 रुपया जो देगा वो कितने महीने तक देगा, 8 महीने तक। फिर अगला 1 रुपया जो रहेगा वो 7 महीने तक। फिर अगला 1 रुपया जो रहेगा वो 6 महीने तक। टोटल 6 महीने तक हम लोगों ने ऐड कर दिया 1-1 रुपया, ठीक है। 1000 था, मैंने अभी बताया कि 0-0 को हटा देना है, 1-1 रुपये को 6 महीने तक ऐड कर दिया, ठीक है। अब फिर क्या बोला था कि बचे हुए महीनों में इन रिमेनिंग मंथ जो है वो क्या करता है, 1-1 हज़ार निकाल देता है, मतलब 1-1 रुपये अब निकालता है तो क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। तो अब यहाँ से निकालने का कार्यक्रम करो, फिर ब्रैकेट में इसे करना, ठीक है। फिर 1 रुपये जो निकालेगा वो कितने महीने तक निकालेगा, 5 महीने तक वो निकला हुआ रहेगा। फिर अगला 1 रुपये जो निकालेगा वो 4 महीने तक। फिर अगला 1 रुपया 3 महीने तक। फिर अगला 1 रुपया 2 महीने तक। फिर अगला 1 रुपया 1 महीने तक, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया टोटल, ये अमित का रेशियो का फंक्शनिंग यहाँ पे आ गया। अब तुम यहाँ से देखो कि सब जगह तो 1-1-1 खत्म हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो ऐड करना शुरू कर दो, 11-9 20 हो जाएगा तुम्हारा, 20-10 30 हो जाएगा, 8 और 7 जब तुम जोड़ोगे तो 8-7 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 15 हो जाएगा। तो 20-10 30 और 15 कितना हो गया, 45 45 और 6 कितना हो गया, 51, ठीक है। तो 12×30 किया तुमने तो तुम्हें मिल गया 360 प्लस में क्या, 51। अब यहाँ देखो 5 4 9 3 12 12 2 14 14 और 1 15, यानी तुमने यहाँ पे माइनस क्या कर दिया, 15 माइनस कर दिया, ठीक है। अब इसको याद रखना सिर्फ, ठीक है। अब देखो अर्णव का कहानी क्या है, अर्णव 20 रुपये के साथ इन्वेस्ट किया, 12 महीने तक वो पैसे रहे होंगे। फिर वो क्या करता है, पहले निकालना ही शुरू कर देता है। तो अगले 6 महीने तक उसने क्या किया, 1-1 रुपये निकाला, मतलब 1×11 वो निकाला, फिर 1×10 वो निकाला, फिर 1 रुपया 9 महीने तक, फिर 1 रुपया 8 महीने तक, फिर यहाँ से देखो 1 रुपया 7 महीने तक, फिर 1 रुपया वो 6 महीने तक, मतलब 6 महीने तक उसने पैसा निकाल दिया, 1 महीना 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब क्या किया, वो बचे हुए महीनों में उसने क्या किया, पैसा डालना शुरू किया। तो 1-1 रुपये ही डालेगा, 1 रुपया फिर वो डाला कितने महीने तक, 5 महीने तक जाएगा वो पैसा बना के देगा। फिर 1 रुपया हमारा 4 महीने तक पैसा बना के देगा, फिर 1 रुपया हमारा 3 महीने तक, फिर 1 रुपया हमारा 2 महीने तक, फिर 1 रुपया हमारा 1 महीने तक पैसा बना के देगा, ठीक है। अब देखो कितना आसानी से ये सवाल खत्म हो गया। अभी तुमने ये वाला ब्रैकेट के अंदर ये वाला पार्ट को जोड़ा तो ये वाला जोड़ने के बाद तुम्हें 51 मिला, ठीक है। ये भी तो वही सेम चीज़ है भैया, 12×2 कितना होता है, 240, तो रेशियो यहाँ लगा दो 240 और माइनस क्या कर दो यहाँ पे 51 माइनस कर दो, ठीक है। और यहाँ देखो प्लस, यही सेम चीज़ जो इस ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट में, यही सेम चीज़ तो यहाँ पे भी है। अंतर क्या है, यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे क्या है प्लस में। तो यहाँ पे क्या कर दो तुम, प्लस कर दो, प्लस क्या करोगे 15 प्लस कर दोगे, रेशियो 55 रेशियो में कितना, गुने में कितना, 9। खत्म हो गया सवाल।
अब यहाँ से कर दो 360 में 51 जोड़ दो, 15 घटा दोगे तो ये तुम्हें देगा 396, रेशियो में 240 में 51 जोड़ के मैं घटा के 15 जोड़ दोगे तो ये तुम्हें देगा 204, और फिर यहाँ से गुने में क्या कर दो 55 गुने में 9, यानी कि ये तुम्हें दे देगा 55 गुने 9 ही रहने दो, कट जाएगा आसानी से, ठीक है, ज़्यादा उतना गुना नहीं करना है। तीन से काट दो इसे, तीन से काटोगे तो 1, 3 और 2 बार में, तीन से काटोगे इसे तो 6 बार में, 8 बार में, तीन से काटोगे इसे 3 बार में, यानी रेशियो क्या आ गया 132 रेशियो 68 रेशियो 55 इंटू 3 165। अब ये नहीं कटने वाला है, ठीक है, रेशियो निकल गया। अब तुम्हें क्या पूछा है, अखिल और अमित का अंतर, अमित ये है, अखिल ये है, 165 में 32 का अंतर देखो कितने का है, 33 का है, ठीक है, 33 का। अभी देखो सवाल अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी भी कैलकुलेशन कुछ बताना है, तो इसको देखते रहो आगे, ठीक है। क्या बोल रहा है तुम्हें, इन्हीं दोनों का डिफरेंस का तुम्हें बताना है, शेयर का डिफरेंस, तो डायरेक्ट यहीं से डिफरेंस निकाल लो, 33 आउट ऑफ टोटल, टोटल ऐड करोगे 132, 68 और 165 ऐड करके तुम्हें देगा 365, ठीक है, ऑफ कितना 219000। अब तुम ध्यान से देखो कि ये तुम्हारा तीन से कट रहा है लेकिन ये तीन से नहीं कट रहा है, ठीक है, तो तुम क्या करो इसे तीन से काट के देखो, तीन से जब तुम 219 को काटोगे तो वो तुम्हें 73 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब 73 से तुम इसे 365 को काट के देखो, 73 इंटू 5 करोगे तो ये तुम्हें क्या देगा 365 दे देगा, तो अब यहाँ से तुम्हें मालूम हो गया कि डायरेक्ट इसे 73 से काट दो 5 बार में, और 73 से इसे ही काटोगे तो तुम्हें ये क्या देगा 3000 दे देगा, 5 से काट दो इसे कितना बार में 600 बार में, खत्म हो गया यहीं से सवाल। 600 जब आ गया तो 6 गुना 33 जब करोगे तो क्या दे देगा तुम्हें 6 × 33 होता है 198 और 00 यहाँ से अटैच है, और इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो है 198 00, ठीक है। तो बिना कुछ ज़्यादा मेहनत किए मैंने इस सवाल को आसानी से बना दिया है, यहाँ पे सिर्फ आपको ध्यान इस वाले पार्ट में रखना है, ये वाला तरीका जो हम लोग का है सॉल्व करने का, हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे सवालों को और आगे इसी तरीके से बढ़ेंगे, ठीक है, चाहे जो भी पार्टनरशिप का डिफिकल्ट सवाल आएगा, अगर पैटर्न इस पे बेस्ड है, इस तरीके पे बेस्ड है, सवाल इस तरीके से बनाओ बिल्कुल आसान होगा, तुम करके देखो 31,000 वगैरह गुना में, वो तुम्हारा और भी धीरे धीरे करके क्या होगा ज़्यादा होता चला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, चीज़ें समझ में आ गई हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है, लाइक भी कर देना देखने के बाद, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाओ क्वेश्चन के साथ, ठीक है, तब तक बनाओ सवाल, मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में।